सब्सक्राइब कीजिए हाउ टू डू आवर यूट्यूब चैनल को और दबाइए साथ में बने हुए बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एन अनदर वीडियो। जैसा कि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ, आज भी कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ आपकी प्राइवेसी किस तरह से लीक हो रही है। बहुत सी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो कि हम रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं, हालांकि मैं खुद भी उन एप्लीकेशंस को यूज़ करता रहा हूं और अभी भी यूज़ कर रहा था, लेकिन अभी मुझे पता चला है कि वो भी आपकी जो है प्राइवेसी जो है लीक कर रही हैं। बहुत सी वेबसाइट को आपकी प्राइवेसी दे दी जाती है, यानी कि आपने कभी देखा होगा आप किसी स्टोर में जाते हैं तो आपको कुछ देर बाद वहाँ के प्रोडक्ट्स या उस स्टोर के रिलेटेड जितने प्रोडक्ट से उनकी एड्स आना शुरू हो जाती हैं। तो वो किस तरह से आती हैं, वो इसी वजह से आती हैं। तो अभी आज की जो है वीडियो है, इसमें मैं आपको इसी बारे में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो से जो है आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो है प्राइवेसी किस तरह से लीक हो रही है। हालांकि बेशुमार एप्लीकेशंस जो है वो आपकी वॉइस तक रिकॉर्ड कर सकती हैं और उसके अलावा आपके कैमरा से एक्सेस कर सकती हैं, आपकी पिक्चर्स तक ले सकती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, यहाँ से सबसे पहले आपने आ जाना है अपनी सेटिंग्स में। जैसा कि मैं अपनी मोबाइल सेटिंग्स में आ जाता हूँ और मोबाइल सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ मैं ऐप्स में। ऐप्स में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सामने कुछ सारी ऐप्स जो है शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग हो रही है, अभी आपके सामने जो है सारी की सारी ऐप्स आ जाएंगी। तो अभी ऐप्स आने का हम वेट करते हैं। ये देख सकते हैं आप, सारी की सारी ऐप्स आ चुकी हैं हमारी। जितनी भी इस मोबाइल में मेरे पास ऐप्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो रही हैं। उसके बाद यहाँ पे आप मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप परमिशन के नाम से एक ऑप्शन है, इस पर मैं आप अभी क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी परमिशन जो है हमारा फ़ोन ऐप्स को दे रहा है। तो अगर मैं आता हूँ कैमरा पे, कैमरा जो है ये कौन सी जो है परमिशंस दे रहा है एप्लीकेशंस को, तो हम उनको देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा कैमरा इन एप्लीकेशंस को जो है वो एक्सेस दे रहा है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कैम स्कैनर, इससे पता चलता है कि कैम स्कैनर का काम ही ऐसा है कि उसको कैमरे की जो है ज़रूरत होती है। तो अगर हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा यूसी ब्राउज़र। जैसा कि आप जानते हैं यूसी ब्राउज़र को जो है प्ले स्टोर से डिलीट भी कर दिया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूसी मिनी जो है मेरे पास इंस्टॉल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने कैमरा की जो है परमिशन ली हुई है। तो इसमें आप देख सकते हैं, आपको समझ आ रहा होगा कि कैमरा की परमिशन ये किस लिए यूज़ करता है। हालांकि ये एक नॉर्मल ब्राउज़र है, इसे कोई ज़रूरत नहीं है कैमरा की, ना हम इसमें कैमरा किसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका कोई काम नहीं है। अगर यूसी ब्राउज़र होता, फास्ट ब्राउज़र होता, तो उसमें चलें समझ आती थी कि हम उसमें जो है स्कैन करते हैं कोई भी QR कोड तो वहाँ पे ये होता तो फिर भी समझ आती थी। लेकिन यूसी मिनी में कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिससे हमें ये पता चले कि ये कैमरा किस लिए यूज़ हो रहा है। तो अगर हम यहाँ से बैक आते हैं और यहाँ पे आते हैं कॉन्टैक्ट्स में, तो कॉन्टैक्ट्स में भी आपको जो है बहुत सी एप्लीकेशंस ऐसी मिल जाएंगी जो कि आपकी जो है प्राइवेसी यूज़ कर रही हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स तक उनकी जो है रसाई है। जैसा कि हम यहाँ पे भी आके देखते हैं तो यूसी मिनी जो है यहाँ पे भी जो है अलाउ है, उसने जो है कॉन्टैक्ट्स की परमिशन ली हुई है। तो इससे हमें पता चलता है ये किस तरह से हमारी जो है प्राइवेसी को जो है ये लीक कर रहे हैं, ये दूसरी वेबसाइट को हमारी प्राइवेसी जो है वो दे देते हैं, जिसकी वजह से जो है हमें बाद में बहुत सा नुकसान उठाना पड़ता है। तो अगर आज की वीडियो आपको आती है पसंद तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।